मालवा तहसील के ग्राम लोखर्त पर हमला कर दिया, जिसमें दो वन रक्षकों को चोट आई है। रेत चोरों ने वन कर्मियों के साथ मारपीट कर रेत की ट्रैक्टर ट्राली लेकर फरार हो गए। पूरा मामला लोखर तलाई की मोरंड नदी के ब्रिज के नीचे का है, जहां वन विभाग की जगह से रेत चोर अवैध उत्खनन कर रेत ले जा रहे थे, जिस पर वन कर्मियों ने रेत की दो ट्रैक्टर ट्रालियों को पकड़ा था। वहीं एक ट्रैक्टर ट्राली को वन विभाग के कर्मचारी लेकर गए थे तथा दूसरी को ले जाने के लिए एक वनकर्मी ट्रैक्टर ट्राली लेकर खड़ा था। तभी अचानक 5-6 लोगों ने वन रक्षक कमलेश राठौर के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं उसे बचाने गए वन रक्षक राकेश राजपूत के साथ भी जुमा चटकी सहित मारपीट की गई, जिसके बाद दोनों वन रक्षकों ने घटना की जानकारी वन विभाग में दी तथा घायल वन रक्षक सिवनी मालवा थाने पहुँचे, जहाँ मुंह तथा सर में चोट होने के चलते उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेडिकल के लिए ले जाया गया। वन रक्षक राकेश राजपूत ने बताया कि गश्ती के दौरान हमने रेत की दो ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी थी, एक को हम लेकर आए थे, वहीं दूसरी लेने के लिए गए थे। कमलेश राठौर उस ट्रैक्टर ट्राली के पास बैठे थे, तभी 5-6 लोग आए और मारपीट करने लगे। मैं उन्हें बचाने पहुँचा तो मेरे साथ भी मारपीट की गई। थाना प्रभारी अनूप उइके ने बताया कि कुछ वनकर्मी सिवनी मालवा थाने आए हैं। उन्होंने बताया है कि लोखर तलाई बीट में वे अवैध रेत की ट्रैक्टर ट्राली पर कार्रवाई कर रहे थे, तभी उस दौरान कुछ लोग आए और उनके साथ मारपीट की। वनकर्मी को मुंह में चोट आई है, क्या घटना घटी है उसकी जानकारी के लिए तत्काल एक पुलिस टीम को रवाना किया है। जांच के बाद पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग वनचौकी लोखर तलाई से हैं। वहां पर हमने आज सुबह रेत की ट्राली पकड़ के ले गए थे गश्ती के दौरान। एक ट्राली लेकर आ गए थे और दूसरी ट्राली की ओर वहीं पर थी, तो उसको लेने के लिए 2-3 स्टाफ वहाँ चला गया था और हम ये भैया वहीं पर बैठ गए थे राठौर महाराज उस ट्रैक्टर ट्राली के पास वनचौकी लोखर तलाई के अंदर। ठीक है, तो उसमें से 8-10 लड़के 6-7 लड़के आए, उसमें से 2-1 लड़के ने इनके साथ हाथापाई करना शुरू कर दिया। मैं दौड़ा जब तक इनको बचाऊं, वो मेरे पास आ गए और मेरे साथ भी झूमा झटकी करी, मार दी उनके मुंह में, मार दिया और ट्रैक्टर ट्राली वहां से निकाल के लेके चले गए। ये मोरन नदी पुल के नीचे का मामला है। कौन लोग थे? अब हमें जानकारी मतलब नहीं वो लोग कौन थे, अब वो नहीं पता चल रहा। सिवनी मालवा के थे वो कुछ बंदिया लोग। कुछ एक अभी कुछ वन कर्मी थाना सिवनी मालवा आए हैं और उनका ये कहना है कि लोखर तलाई जो बीट है वहाँ पर कुछ अवैध रेत की कार्यवाही कर रहे थे और कोई ट्राली को पकड़ा था। वो कार्यवाही करने के दौरान कुछ लोग आए, 2-3 लोग का बता रहे हैं वो, और आकर उनके साथ मारपीट की है और वो जो ट्रैक्टर है उसको ले गए हैं। वनकर्मी को मुंह में चोट है, उनका मेडिकल कराया है और जो वास्तविकता है घटना की कि उसमें कितने लोग शामिल हैं, क्या घटना घटी है, उसकी सत्यता के लिए जो है टीम को वहाँ सब इंस्पेक्टर और कुछ टीम को रवाना किया है। उनके आने के बाद घटना की वास्तविकता पता करने के बाद अगर उसमें लोगों की संलिप्तता है और इस तरह की कोई घटना घटी है तो उचित धाराओं में पुलिस कार्रवाई करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेगी।